ओके गाइस, तो देखिए मार्केट बहुत ही अच्छा गैप अप ओपन दे रहा है। ये ओपन दे रहा है 40,200 के आसपास ओपन दे रहा है, 300 साढ़े 300 पॉइंट जैसा गैप अप है। तो वैसे तो देखिए हमारा प्लान सेलिंग साइड का था, लेकिन ये मार्केट में गैप अप काफी ज्यादा दे रहा है, तो अभी हम यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लान उसको हटा के यहाँ पे जस्ट अभी हम न्यूट्रल होकर बैठेंगे, मार्केट में देखेंगे कैंडल वगैरह कैसा बनाता है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड बनाएंगे। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या था, 40,000 41,000 का लेवल के आसपास से देखिए मार्केट बहुत अच्छा गिरा था। मार्केट इतना ज्यादा गैप अप ओपन दिया कि ये मार्केट में सेलर को पूरी तरह ट्रैप कर लिया, मतलब जो भी यहाँ पे सेल करके बैठा था सेलर को पूरा अच्छी तरह ट्रैप कर लिया, कोई भी ऊपर के साइड एसएल मिलेगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा, वैसे कंडीशन में वेट करना होगा क्योंकि मार्केट का डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, तो डायरेक्टली हम सेलिंग भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम बाइंग भी नहीं कर सकते। छोटा मोटा गैप अप होता तो हम यहाँ पे सेलिंग कर लेते, लेकिन अभी देखिए डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसमें अभी सेलिंग करना थोड़ा रिस्क होता है। तो हम प्रॉपर कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन देखेंगे उसके बाद। देख रहे बहुत ही खतरनाक सेलिंग आया है, डायरेक्टली गिरा है एकदम, यहाँ से 41,000 के लेवल के आसपास आ गया, मतलब 200-300 पॉइंट का एक तो कैंडल बना दिया। वेट करते हैं थोड़ा, देखिए मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। हम यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि देखिए मार्केट में सेलिंग साइड का कैंडल बहुत अच्छा बना है, ऊपर के साइड एसएल नहीं है। अब डायरेक्टली गिरेगा तो थोड़ा नहीं होगा, थोड़ा बहुत अगर होल्ड करता है यहाँ पे कितना बनेगा रिक्स, थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा हो जाएगा, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल काफी ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे निफ्टी क्या कर रहा है थोड़ा देख ले, निफ्टी को भी, निफ्टी में भी सेलिंग आया हुआ है, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आया हुआ है। यहाँ पे बनाने का एक सेलिंग साइड का पोजीशन तो बन सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक ही कैंडल ना 70-80 पॉइंट का कैंडल बना रहा है, मतलब थोड़ा भी अगर हमारा एंट्री गलत हुआ ना तो डायरेक्टली ऐसे लीट हो जाए। संभल के थोड़ा ट्रेड बनाएगा, मार्केट को थोड़ा सा शांत होने देते हैं क्योंकि बड़ा पॉइंट का कैंडल बना रहा है, ऐसे में थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए सेटअप तो बहुत अच्छा बन चुका है यहाँ पे सेलिंग साइड का, जल्दबाजी नहीं करना है, जहाँ पे कन्फ्यूजन लेकर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, वेट कर लेना है थोड़ा। चलिए तो यहाँ पे हमने बाई कर लिया और बाई किया 41,200 का पी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लॉस होने वाला है 1,000 से 1,200 रुपए के आसपास का यहाँ पे लॉस रहेगा, और प्रॉफिट भी हम 1,000 से 1,200 रुपए के आसपास का ही लेंगे। मार्केट को थोड़ा चलने देते हैं फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या है कि मोमेंटम देखिए बड़ा बड़ा कर रहा है, मतलब मोमेंटम थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि छोटा लॉस, मतलब छोटा ऐसे रहता है ना तो जल्दी हिट होने का चांसेस रहता है, इसलिए थोड़ा सा हमने लॉस भी ज्यादा लिया तो प्रॉफिट भी ज्यादा बड़ा कर लिया। तो हमने यहाँ पे देखिए सेलिंग साइड का पोजीशन क्यों बनाया, मार्केट में ऊपर के साइड कोई भी एसएल नहीं था, ठीक है, मार्केट ओपन होते ही सेलिंग में आया, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजीशन बना लिया। ऊपर के साइड एसएल नहीं है, नीचे 1,000 लेवल है, गैप अप ज्यादा दिया है, तो ऐसे में क्या होगा, बायर्स को देखिए क्या दिखेगा, 1,000 का लेवल दिखेगा, वो क्या करेगा, इसको देखते हुए सपोर्ट के आसपास बाई करेगा, इसके नीचे नीचे एसएल डालने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा था, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजीशन बना लिया। बाकी अब देखिए मार्केट का ऊपर डिपेंड करता है, लॉस देगा तो लॉस देके निकल जाएंगे, प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो अब वेट करते हैं, मार्केट अभी तो ऊपर के साइड निकल रहा है और 300 साढ़े 300 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा लॉस बढ़कर 600-700 के आसपास चल रहा है, और मार्केट में बहुत ही अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आया, और देखिए निफ्टी भी अच्छा खासा रिकवरी कर दिया यहाँ पे। वेट करते हैं, देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है हमने जल्दबाजी कर लिया ट्रेड बनाने में, ठीक है कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना लॉस बढ़कर 800-900 के आसपास चल रहा है, अब हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा, रेडी रहते हैं हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए।
ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया और जो लॉस बुक किया हमने 1137 रुपए के आसपास का लॉस बुक किया। तो हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजीशन क्यों बनाया था, देखिए हमारा प्लान यहाँ पे बिल्कुल सिंपल था। मार्केट में ऊपर के साइड कोई भी एसएल नहीं था, सेलिंग आ गया ओपन होते ही अच्छा खासा कैंडल बना दिया, नीचे 1000 का लेवल था, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लान बनाया था। मे भी होगा थोड़ा एंट्री मैंने जल्दी बना लिया, लेकिन देखिए मैंने प्रॉपर वेट किया था इस वाले कैंडल में नहीं, मार्केट जब सेलिंग में आने लगा तब जाके हमने यहाँ कहीं पे एंट्री बनाया था। निफ्टी भी यहाँ पे रिजेक्शन अच्छा खासा दिखा रहा था, अगर यहाँ पे एंट्री लेट भी बनाते तो भी हो सकता मैं यहाँ पे सेलिंग ना करके यहाँ पे सेलिंग करता, इस लेवल के आसपास करता, लेकिन मैं सेलिंग ही करता, यहाँ पे बाइंग तो नहीं करता, क्योंकि देखिए ऐसा सेलिंग वाला कैंडल बना उसके अपोजिट मैं तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं बनाता, सेलिंग ही करता यहाँ कहीं पे ज्यादा से ज्यादा होता। तो यहाँ भी अगर मैं सेलिंग करता तो देखिए मेरा यहाँ पे भी ऐसे ही हिट होता। पोजीशन कब बनाया था, 9:19 में हमने पोजीशन बनाया था, 9:27 में एग्जिट कर दिया, लगभग 5-6 मिनट लगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।